तो जो सवियर स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स हैं उसमें ऐसे लाइफ uh, में स्ट्रेसर्स आते हैं जिसके अंदर बच्चे को कोई मेजर लाइफ चेंज फेस करना पड़ता है जिस तरह नेबरहुड uh, मूव कर लिया जाए या आप इसको यूँ समझ सकते हो कि फैमिलीज़ के अंदर सेपरेशन हो जाए फैमिलीज़ में डाइवोस हो जाए ठीक है uh, या फिर uh, कोई बहुत मैरिटल डिस्कॉट फैमिली में हो जो कि बच्चा ऑब्जर्व करे तो इस किस्म के जो सीरियस लेवल के स्ट्रेसेस होते हैं जब वो एक बच्चे की लाइफ में आते हैं तो उसकी वजह से डिप्रेशन होने के चांसेस हैं इसी तरह जब हम नॉन स्वेयर स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स की बात करते हैं तो हम ऐसे लाइफ इवेंट्स की बात करते हैं जो कि डेली लाइफ में सर्टन टाइम पार्ट होते हैं लेकिन बच्चा उससे ज़्यादा स्ट्रेस फील करता है जिस तरह टीचर्स के साथ आर्गमेंट हो गया पेरेंट्स जो हैं वो, वो उनके साथ कोई आर्गोमेंट हो गया फ्रेंडशिप में आर्गूमेंट हो गया कोई रोमांटिक रिलेशनशिप के अंदर ब्रेकअप आ गया तो इस किस्म की जब चीज़ें या कोई एजुकेशनल फेलियर हो गया तो इस किस्म की जब चीज़ें वो बच्चा फेस करता है तो उस में भी वो जो है वो डिप्रेशन का कॉज बन सकते हैं क्योंकि वो रिपीटली इस चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा होता है अब ट्रिगर्स क्या होते हैं यानी किस वक़्त जो डिप्रेशन है वो ट्रिगर होता है जैसे किसी पेरेंट की डेथ हो गई नेचुरल डेथ कॉज हुई तो उसके फ़ौर बाद जो है बच्चे को डिप्रेशन जो है वो ट्रिगर हो गया या बच्चे को कोई लॉस हो गया कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया उसके फ़ौरी बाद जो है बच्चे को डिप्रेशन ट्रिगर हो गया या बच्चे को कोई फेलियर फेस करना पड़ गया एजुकेशन के अंदर तो उसके बाद जो है डिप्रेशन जो है वो फ़ौरी तौर पर ट्रिगर कर गया तो ये जो फैक्टर्स हैं ये सारे इफ़ेक्ट करेंगे किसी भी बच्चे को कि उसकी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है वो इफ़ेक्ट हो और उस डिप्रेशन जो है वो मैनिफेस्ट हो सकता है देन वी विल टॉक अबाउट द लर्न हेल्पलेसनेस थे लर्न हेल्पलेसने जो है दैट वॉज परपोज मैन तो ही सेड एक्चुअली कि ऐसे लोग जिनके अंदर डिप्रेशन ज़्यादा होता है मेनली उनके अंदर हो क्या रहा होता है देवर अनएबल टू प्रोसेस द फंक्शन ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इन देअर लाइफ ठीक है उनको लगता है कि जो उनकी ज़िंदगी है उस पर उनका कंट्रोल जो है वो नहीं है ना उनको वो जो अच्छे एक्ट करते हैं ना उनको उसका कोई रिवॉर्ड मिल रहा होता है और जो उनको पनिशमेंट मिल रही होती है दैट इज़ मोर देन व्हाट दे एक्सपेक्ट तो इस किस्म के जब उनका एक मेंटल uh, स्टेट uh, बन जाती है या बिहेवियर जब उनको अपना इस तरह का फील होता है कि उनका जो भी बिहेवियर है उसे प्रॉपर रिवॉर्ड और पनिशमेंट जो है यानी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उस बिहेवियर के वो उनके एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के साथ जो है वो मैच नहीं कर रहे होते तो उस वक्त उनको जो है वो डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसके साथ साथ उनको ये भी लगता है कि उनका अपनी लाइफ पे से बिल्कुल कंट्रोल ख़त्म हो गया दे लूज द कंट्रोल तो दैट्स वाई के दे फील दम सेल्फ के वो जो कुछ मर्जी कर लें दे आर अनएबल टू इम्प्रूव देयर लाइफ ठीक है तो एक डिप्रेशन की कॉज जो है वो इस थेरी के थ्रू भी एक्सप्लेन की जाती है देन एट्रीब्यूशन हेल्पलेसनेस थेरी जिसके अंदर ये कहा जाता है कि बेसिकली लोग एट्रीब्यूट कर देते हैं कि उनकी लाइफ के अंदर जो कुछ हो रहा है दैट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट और वो अपनी लाइफ को जो है वो किसी भी लेवल पे इंटरनली कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते तो जिस वक्त वो ये समझना शुरू करते हैं कि उनकी लाइफ के ऊपर से कंट्रोल ख़त्म हो गया है तो और जो कुछ भी हो रहा है वो उनके आउट ऑफ कंट्रोल है कोई ऐसा इंटरनल फैक्टर नहीं है जिसको वो कंट्रोल कर सकें और सारा कुछ एक्सटर्नली ऑपरेट हो रहा है तो उस वक्त भी जो डिप्रेशन है वो होने के चांसेस उन लोगों में ज़्यादा हैं देन वी विल टॉक अबाउट द नेगेटिव कागनेटिव स्टाइल्स नेगेटिव कागनेटिव स्टाइल्स जो हैं वो बेसिकली प्रपोज किया था आर एन टी बैक ने और उसने ये कहा था कि ऐसे लोग जिनको डिप्रेशन होता है दे हैव एक्चुअली ऑटोमेटिक नगेटिव थाट प्रोसेसिंग इन देअर माइंड और चूँकि उनके नेगेटिव थॉट प्रोसेसिंग होती है और वो नेगेटिव थॉट प्रोसेसिंग जो है वो तीन चीज़ों के बारे में होती है इसकी जो तीन ऑटोमेटिक थॉट्स बताई थी टूवर्ड्स द वर्ल्ड वन सेल्फ एंड फ्यूचर से कागनेटिव ट्रेड कहा जाता है तो जो काग्नेटिव ट्राइड है उसके अंदर आप देखें कि नेगेटिव व्यू अबाउट वन सेल्फ है नेगेटिव व्यू अबाउट द वर्ल्ड है एंड नेगेटिव व्यू अबाउट द फ्यूचर है अब वन सेल्फ के बारे में क्या आप कह सकते हो आई एम अ फेलियर ठीक है आई एम अ वर्थलेस पर्सन नेगेटिव व्यूज़ अबाउट द वर्ल्ड क्या कह सकते हो दा द वर्ल्ड इज अ प्लेस विच इज़ अनफेयर ठीक है एंड एवरी थिंग वट एवर इज़ हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ अनफेयर देन नेगेटिव व्यूज़ अबाउट द फ्यूचर क्या हो सकता है नथिंग विल गुड हैपन टू मी ठीक है तो इस किस्म की जो नेगेटिविटी uh, है रिगार्डिंग फ्यूचर रिगार्डिंग वर्ल्ड रिगार्डिंग सेल्फ़ जो है जब बच्चा होल्ड करेगा तो इस किस्म का थॉट प्रोसेस जो है वो उसको लीड कर सकता है या कॉज कर सकता है उसकी लाइफ में डिप्रेशन सो इन थेरीज की बेसिस के अंदर जब आप बच्चे की लाइफ हिस्ट्री को ले रहे होते हैं तो आपको ये देखना होता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस बच्चे की लाइफ के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं